जैसे राजस्थान में इन दिनों विधानसभा चुनाव चरम पर पहुंच गए हैं और अब वोटिंग का इंतजार है, ऐसे ही 1985 में भी राजस्थान में विधानसभा चुनाव थे और सभी राजनीतिक दल अपना अपना प्रचार कर रहे थे। तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने राजस्थान की राजनीति में भूचाल ला दिया। पुलिस ने 7 बार के निर्दलीय विधायक रहे एक नेता की गोली मारकर हत्या कर दी थी। संभवतः देश के इतिहास में ये पहली घटना थी जब किसी मौजूदा विधायक का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था। राजा मान सिंह राजस्थान की डीग विधानसभा सीट से साल 1952 से लेकर 1984 तक 7 बार निर्दलीय चुनाव लड़े और जीतकर विधानसभा पहुंचे। राजा मान सिंह और कांग्रेस के बीच एक समझौता था जिसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी चाहे तो उनके खिलाफ अपना उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार सकती है, लेकिन कोई बड़ा नेता प्रचार करने नहीं आएगा। साल 1985 की बात है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और शिवचरण माथुर मुख्यमंत्री थे। माथुर ने डीग सीट को शान का मुद्दा बना लिया। सीएम शिवचरण माथुर 20 फरवरी को कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने डीग पहुंच गए। माथुर के पहुंचने से स्थानीय कांग्रेस नेता बहुत खुश हुए और उन्होंने उत्साह में राजा मानसिंह के पोस्टर फाड़ डाले। माथुर का प्रचार के लिए डीग जाना राजा मानसिंह और कांग्रेस के किसी बड़े नेता को प्रचार के लिए न भेजने के समझौते के खिलाफ था। राजा मानसिंह कांग्रेस के वादा खिलाफी पर खफा हो गए। उन्होंने मुख्यमंत्री की रैली से पहले ही मंच तोड़वा दिया। इसके बाद मानसिंह जीप लेकर उस हेलीपैड पर पहुंचे जहां माथुर का हेलीकॉप्टर आया था। गुस्से में आग बबूला राजा मानसिंह ने हेलीपैड पर खड़े मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को कई बार टक्कर मारी। पायलट को कूद कर जान बचानी पड़ी। ऐसे में सीएम शिवचरण माथुर को सड़क के रास्ते से जयपुर लौटना पड़ा था। ऐसा करके राजा मानसिंह ने सीधे राजस्थान की उस समय की सरकार को ललकारा था। सीएम के हेलीकॉप्टर के पायलट ने पुलिस में विधायक मानसिंह के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया। अनहोनी की आशंका के चलते कर्फ्यू लगा दिया गया। 21 फरवरी 1985 का दिन राजा मानसिंह प्रचार के लिए निकले तो लोगों ने उन्हें मना किया कि कर्फ्यू लगा हुआ है, मत जाइए। उन्होंने जवाब दिया, अपनी रियासत में डर कैसा। ऐसे में पुलिस ने विधायक मानसिंह को रुकने का इशारा किया। जब राजा मानसिंह अपनी जीप बैक करने लगे तब पुलिस ने फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में राजा मानसिंह, उनके साथी सुमेर सिंह और हरि सिंह को गोली लगने से तीनों की जान चली गई। हालांकि राजा मानसिंह के परिवार वालों का कहना है कि वो प्रचार करने नहीं आत्मसमर्पण करने जा रहे थे। इस घटना के 24 घंटे बाद ही मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर को इस्तीफा देना पड़ा था और इस मामले के 35 साल बाद विधायक की हत्या के आरोप में 11 पुलिस वालों को उम्र कैद की सजा हुई थी।